अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द एमसीक्यूज़ ऑफ चैप्टर नंबर 9 and 13। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 10, वीक 5, एंड आई एम योर प्रेजेंटर जवेरिया अज़हर। जी क्लास, वी आर गोइंग टू सॉल्व द एमसीक्यूज़, एंड यू नो दैट टुडेज़ टास्क इज़ सिम डेट। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज़ करने हमने चैप्टर नंबर 9 के कर लेते हैं सबसे पहले। तो पहला MCQs है, व्हेन 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, लेट्स टेक द नंबर शुड बी एक्स। एक्स को जब 4 में से माइनस करेंगे, द रिजल्ट इज़ हाफ द नंबर। तो रिजल्ट क्या होगा, वो इक्वल टू किस कहेगा, एक्स बाई 2 कहेगा। नंबर निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वी हैव एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स बाई 2। सो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरी लेफ्ट साइड पर जाके। तो जब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 4 2 8 इज इक्वल टू x। अब यहाँ पे देखें, x जो है राइट साइड पे प्लस का साइन है, तो वहाँ लेफ्ट साइड पे जाकर इट शुड बी माइनस, एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड पे माइनस 8 हो रहा है, राइट साइड पे इट शुड बी प्लस 8। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, 2x में से माइनस x करें तो x इज इक्वल टू 8। आंसर आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है, नंबर की वैल्यू क्या आ रही है, अभी पास 8 आ रही है। सो 8 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 4x plus 3y minus 2z is equal to 0 is a linear equation. Which of the following statement is true? मैंने आपको बताया था, जो लीनियर इक्वेशन होती है उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो वेरिएबल्स आपको गिवन होते हैं उसकी पावर हमेशा 1 होती है। अगर यहाँ पे देखें, x के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यानी कि इसकी पावर क्या है, 1 है। सो जो लीनियर इक्वेशन होती हैं उनकी पावर क्या होती है, 1 होती है। ऑप्शन ने देखें, लीनियर इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 1 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल 1 या 2 से ज़्यादा आपके हो सकते हैं, जैसे कि इधर गिवन है x, y और z। लीनियर इक्वेशन ऑलवेज हैव 1 वेरिएबल ओनली, नहीं ऑलवेज नहीं होता। वही पहली वाली ऑप्शन को उसने दोबारा से रिपीट किया हुआ। इन लीनियर इक्वेशन वेरिएबल ऑलवेज हैव 1 एज अ कॉफिशेंट, नहीं। यहाँ पे देखें, कॉफिशेंट x का क्या है, 4 है, y का क्या है, 3 है, z का क्या है, 2 है। तो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। द ट्रू वन इज, इन लीनियर इक्वेशन पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज 1। नाउ क्लास, अगर क्वेश्चन एमसीक्यूज़ 13 की तरफ आएँ, तो क्वेश्चन एमसीक्यूज़ 13 में हमारे पास क्या है, आ राइट आइसोसेलियस ट्राइंगल हैज़ 1 राइट एंगल एंड 2 एंगल्स 45 ईच। यस, अगर राइट एंगल है तो राइट पे एक 90 का होगा, बाकी 45 के अगर होंगे तो सम किसके इक्वल आएगा, 180 के। सो इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड है, इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज, वी रिमेंबर डैट बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, दिस इज योर आंसर। द थर्ड वन इज, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज बिगर देन द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये हमेशा के लिए ट्रू नहीं होती, कभी ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। एक्सटीरियर एंगल्स बता दिए थे, ट्राइंगल के बाहर जितने भी लाइन को आप एक्सटेंड कर दें और उसके एंगल को बनाएं, तो वो आपका जो एक्सटीरियर होगा, जो ट्राइंगल के बाहर एंगल होगा उसको एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, और जो ट्राइंगल्स के अंदर एंगल्स मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। सो क्लास, होमवर्क है आपने रेस्ट ऑफ द एमसीक्यूज खुद करने, ट्राई करें, हो जाते तो ठीक है, नहीं तो हम ऑनलाइन क्लासेस में इसको डिस्कस कर लेंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।